स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे तो ऐड को लगाने का तमाम नियम है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त ऐड का लगाने का बहुत ही मस्त ट्रिक लेके आया हूँ। और ये जो टॉपिक है मैथ ट्रिक और क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको आप लगाएंगे कैसे, तो इसको कुछ करना नहीं है। देख लीजिए, जैसे यहाँ कुल 7 संख्याएं हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो क्या करिए, 3 इधर से ले लीजिए और 3 इधर से, बीच में क्या आया 4, तो 4 को ले लीजिए फिर गुणा कर दीजिए। कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 × 3 = 6 = 7, 7 से गुणा कर दीजिए कितना आएगा 28, और इसको जब आप जोड़ोगे तो 28 ही आएगा। यहाँ आते हैं, ठीक है, इसमें देखिए कितनी संख्याएं हैं, इसमें कुल 10 संख्याएं हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 संख्याएं हैं। तो क्या करिए, अब जैसे इसमें हम बराबर बराबर दोनों तरफ ले रहे थे, तो इधर से भी बराबर ले लीजिए और इधर से भी बराबर ले लीजिए, बीच में कुछ नहीं बचा। तो शुरू से आप देखिए कितना है, शुरू से हमारा हाफ का लास्ट नंबर मतलब पांचवा अंक कितना आया, 5 आया, तो यहाँ 5 लिख देते हैं गुणे, कुल कितने अंक हैं 10। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पदों की संख्या विषम है, सॉरी यहाँ पदों की संख्या सम है, और जब पदों की संख्या सम होगी तो कुल पदों में 1 जोड़ देंगे और उसी का गुणा कर देंगे। तो कुल की, अब यहाँ पदों की संख्या सम है, तो शुरू से पांचवें नंबर पे 5 आया, 5 लिख दिए गुणे, कुल संख्या कितनी है 10, कुल 10 संख्याएं हैं। अब 10 में 1 जोड़ दो 11, तो 11 का गुणा कर दो कितना आएगा 55, तो अगर आप इसको जोड़ोगे 1 से 10 तक तो 55 ही आएगा। अब यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या आएगा, यहाँ देखो 1 से लेकर के 15 तक ऐड किया गया है, तो अब 15 का देखो यहाँ से 1 से 7 तक ये ले लो, ठीक, और उसके बाद में 9 से 15 तक ये ले लो, तो 7 संख्या इधर हो गई और 7 संख्या इधर हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 हो गई, बीच में क्या बचा 8 बचा। यहाँ पदों की संख्या विषम है तो यहाँ कुछ करना नहीं है, बीच वाली संख्या को ले लीजिए गुणा कर दीजिए, कितने से गुणा कर देंगे, गुणा आपको करना है कुल संख्या कितनी है 15, तो गुणा कर देंगे 15 से, तो 15 × 8 = 120, यानी आप 1 से 15 तक जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा। ध्यान रहे, अगर पदों की संख्या विषम है तो आधा इधर ले लेंगे आधा उधर, और बीच में जो बचेगा उसमें कुल कितनी संख्या है गुणा कर देंगे, और अगर पदों की संख्या सम है तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, और पहले भाग का जैसे यहाँ हमने, यहाँ कुल संख्या कितनी थी 10, तो 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, अब पहले भाग का अंतिम संख्या 5 था तो हमने 5 ले लिया, कुल संख्याएं 10 थी, पदों की संख्या सम है तो 10 में 1 जोड़ दिए, 11 से गुणा करके लिख दिए 55, तो पदों की संख्या में 1 तब जोड़ेंगे जब कुल पदों की संख्या सम होगी, जैसे यहाँ पदों की संख्या कुल 10 था, 10 सम था, तो इसलिए 10 में 1 जोड़ के 11 का गुणा कर दिए 5 में। चलिए यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए पदों की संख्या कितनी है, कुल 6 पद है, पदों की संख्या सम है तो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। अब यहाँ देखो क्या है, तो पहले भाग का अंतिम अंक 3 है तो 3 लिख दो गुणे, अब इसमें कुल कितनी संख्याएं है 6, अब पदों की संख्या सम है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, गुणा कर दीजिए कितना आ गया 21, इसको आप जोड़ो तो 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21। तो डियर फ्रेंड, ए मैथ का ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह से जब आप ऐड को बताएंगे तो आपके इष्ट मित्र जो भी हैं, फ्रेंड है, वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।